हेलो भाई, मैं हूँ सक्षम। आज मैं खड़ा हूँ भाई टाटा ऑल्ट्रोस के आगे, और भाई पता नहीं यार इस गाड़ी में क्या बीमारी है, नज़र लगी हुई है लोगों की क्या है। ये गाड़ी भाई सही चलती नहीं है, इस भाई की गाड़ी है लेकिन भाई ये कहीं ना कहीं ठुकती ही रहती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। अभी दिखाऊँ भाई क्या हुआ, ये देखो, ये यहाँ पे भाई आ गया डेंट, क्योंकि बारिशों का टाइम है, भाई कहीं गाड़ी चला रहे थे, नीचे से जाके गाड़ी बजी और यहाँ पे ये डेंट आ गया। देखो ये थोड़े थोड़ा पेंट भी हट गया है और ये रनिंग बोर्ड है। अब दो तरीके हैं जो कि ज्यादातर लोग इसके लिए ट्राई करते हैं, पहला होता है कि यार इंश्योरेंस में क्लेम करा लेते हैं, दूसरा होता है कहीं भी लोकल डेंटिंग पेंटिंग वाले को पकड़ो और भाई उससे करा लो। अब देखो बेकार में 1000-2000 खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता इस चीज पे, फाइलिंग चार्ज भी देंगे, कंपनी के रिकॉर्ड में भी चढ़ेगी कि गाड़ी टच हुई थी। एक बार लोकल डेंटर के पास जाके देखते हैं कि क्या ये सही हो जाएगा। वैसे इतना मेजर है नहीं, ध्यान से दिखाऊं तो थोड़ा सा ये पेंट ही हटा है, नीचे से पिचक गई है वो बस अलग हुआ है। तो रनिंग बोर्ड तो यार कंपनी भी रिपेयर ही करती है, क्योंकि ये पूरा देखो यहाँ से लेके ना पीछे तक पूरी छत वत पूरा एक ही पार्ट है। तो अगर कभी आपका रनिंग बोर्ड डैमेज हो जाए या फिर ये वाला फेंडर वगैरह डैमेज हो जाए तो आप कंपनी में भी लेके जाओगे तो भाई वो रिपेयर ही करते हैं, चेंज वेंज नहीं करते, क्योंकि कितना ही चेंज कर देंगे पूरी बॉडी थोड़ी बदल देंगे यार। तो इसलिए आज हम भी ट्राई करते हैं दूसरा तरीका, थोड़ा सा सस्ता वाला तरीका, लोकल वाला, आज जाके देखते हैं। और छोटे मोटे यहाँ पर ना स्क्रैच वगैरह भी आ गए हैं, ये देख रहे हो, गाड़ी तो नहीं है वैसे, एक साल हुआ नहीं है, लेकिन स्क्रैच क्रूच आ गए हैं और बाहर खड़ी रहती है ना, तो ये देखो कुत्ते उत्ते कैसे सोल मार्क्स डाल देते हैं यहाँ पर, पूरी देखना यार, स्क्रैच व्रैच तो बढ़िया ही मार देते हैं कुत्ते बिल्ली भी गली रोड पे जो होते हैं अपने। देखते हैं आप पूरा प्रोसेस क्या रहता है और डेंटर पेंटर कितने में करता है। अगर ज्यादा पैसे लगेंगे भाई बाहर तो फिर कंपनी में ले जाएंगे 1000-1200 रुपए का, तो उन्होंने फाइलिंग चार्ज लेना है, बाकी हो गया सस्ते में और बढ़िया सा हो गया तो कर लेंगे कंपनी में। यार ये भी तो है, वो लोग 2-3 दिन के लिए गाड़ी रख लेंगे और गाड़ी थोड़ी सी यूज में चाहिए होती है, जाके देखते हैं 2-3 घंटे में अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, जो भी रहता है मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। बाकी आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है अगर कभी भाई आपके साथ भी बारिश के सीजन में ऐसी कुछ दिक्कत हो जाए, गाड़ी वाड़ी कहीं टच हो जाए नीचे से या फिर पीछे का फेंडर डैमेज हो जाए, क्योंकि अगेन पार्ट चेंज होना नहीं है, रिपेयर ही होना है, कंपनी में कराओ या बाहर कराओ। आज बाहर जाके देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। भाई यहाँ डेंटर पे तो आ गए थे पर इन्होंने कहा है कि 4-5 घंटे का काम है, और अभी अगर दिखाऊं ना तो ये देख लो भाई, अरे हट जा, 1:30 बज रहे हैं यार। अब ये कह रहे हैं कि शाम से बढ़िया कि कल ले आना, तो अब कल सुबह 10 बजे इन्होंने बोला है। बाकी पैसे वैसे क्या है वो सारे मैं आपको कल ही पूरी बताऊंगा, कितने लगे क्या बचे। एक और डेंट भी है राइट साइड पे भी, इसके था, मैं आपको दिखाना भूल गया था शुरू में, ये तो बहुत पहले लग गया था, अब जब आए थे तो हमने सोचा कि करा ही लें इसके। भाई ये यहाँ पर भी ना देखो हल्की सी, ये इसका पेंट वेंट सा उखड़ा हुआ है और हल्का सा भाई डेंट भी है, तो ये भी निकल जाएगा। अब देखते हैं क्या पैसे लगते हैं क्या नहीं लगते। बाकी भाई यार 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ना शुरू के 6 महीने तो दुख नहीं देती, लेकिन जब लगती है ना तो फिर वो ऐसी लगती है। अब यही कोई वैगन आ रही है इस टाइप की गाड़ी होती है ना तो वो बड़े प्यार से निकल जाती है उस गड्ढे से, लेकिन ये 5 mm कम या जो 10 mm कम है वो अब दुख देता है यार बारिश बारिश में। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, और टाइम देख लो सुबह के 10:30 हो गए हैं, 10 बजे जाना था, 1/2 घंटे हो गए हैं लेट। बाकी फिलहाल जो माहौल है वो वहीं जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो यार बंदे का फोन भी आ गया, कह रहा है जल्दी आ जाओ भैया, आपके लिए मैंने कोई और गाड़ी नहीं पकड़ी, आप कह रहे थे आ जाओगे और आए नहीं हो, मैं कह रुक जा भाई बस आ ही रहे हैं, तो बस आगे ही है, पहुँचते हैं वहाँ पे, देखते हैं भाई क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि मैं भी डेंटिंग पेंटिंग बाहर से तो पहली बार ही करा रहा हूँ। एक बार पहले जब गाड़ी लगी थी तो सर्विस सेंटर पे ही दे दी थी, तो वहाँ पे तो अंदर पता नहीं यार वो लोग क्या करते हैं, लेकिन एक बार ये देखते हैं कि बाहर पूरा प्रोसेस क्या रहता है छोटे मोटे डेंट्स का। भाई काम तो शुरू हो गया अपनी गाड़ी पे, ये जैक से अब गाड़ी उठ रही है और ये हथौड़ा वथौड़ा ले आए हैं। देखो ये जो हल्की सी अंदर दब गई है ना, पहले ये ठोक पीट करके इसको बाहर निकालेंगे डेंट को, उसके बाद ही पेंट वेंट का प्रोसेस शुरू होगा। ये साइड तो हो गई भाई, देखो प्लेन तो हो गई, जैसे वो अंदर दब गया था ना वो चीज़ बाहर आ गई है। हाँ थोड़ी उबड़ खाबड़ सी है, तो अभी वो कह रहे हैं इस पर पहले POP भरेंगे, वो सूखेगी उसके बाद इस पर पेंट वगैरह होगा। अब उस साइड का नंबर है वहाँ पर, अब जैक लगा रहे हैं। फ्यूल लिड खोल दी भाई गाड़ी की, क्योंकि भैया कह रहे हैं कि मतलब इससे पेंट मैच होगा, क्योंकि वाइट में भी बहुत सारी वैरायटी आती है ना, तो अभी इससे मैच करके देखेंगे जो फॉर्मूला अभी ये लोग यहाँ पर रेडी करेंगे। एक मिनट दिखाना भैया, इस कलर के साथ मैच करेंगे, जब वो हो जाएंगे तब फिर पेंट होगा गाड़ी पे, उसके अकॉर्डिंग कलर बनता है। तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ये कहीं और जाएगा, ये फार्मूले से बनता है, जो इसकी दे रखा फार्मूला कि कितने परसेंट क्या क्या डलता है कलर, वो कलर कोड के हिसाब से। हाँ जी, तो ये क्या फिर कंपनी में जाएगा कि कहाँ पे करोगे, ये अलग है, मैचर अलग होता है। अच्छा कलर कोई और बनाएगा? हाँ जी, आप सिर्फ लेके आओगे और करोगे? हमारा कलर ब्रांडिंग बिल्डिंग है। अभी आप भैया क्या कर रहे हो थोड़ा सा बताओगे यार? डेंट वेंट होते हैं ना वो कवर करे जाते हैं। अच्छा, वही कंपनी में करना पड़ेगा होता है, जैसे वही कंपनी भी यही भरेगी। अच्छा, ये जो मतलब जो घिसाई से निशान आ गए हैं ये कवर करने हैं? हाँ यही होता है।
इसके ऊपर अभी पीओपी वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी इसके फिर? पर कुछ नहीं लगेगा इसके, अब सीधी पट्टी लगेगी, थोड़ी सी पट्टी लगने के बाद सीधा अस्तर ढल के रंग ढलेगा। मेरे को थोड़ा सा कम समझ आया, लेकिन भैया को ज्यादा पता यार काम के बारे में, तो वो कर देंगे, उनको तो पता है कि वो क्या कर रहे हैं, हमें यार इस बारे में नहीं पता। बाकी तो रात दिन का काम है भाई, ये तो कह रहा था मैच होने जाएगा भाई। देखो ऐसे कुछ आया है, ये देख रहे हो वाइट ऑल्ट्रोज लिखा हुआ है, और ये लेके गया था भी भाई बाइक पे, तो मैच वैच करा के ऐसे डब्बी में ले आया पेंट। बढ़िया है यार, चलो ये चीज़ थोड़ी सी नई है, ये मेरे को नहीं पता था कि मैच कराने अलग से जाना पड़ता है किसी के पास। जरूरत पड़ेगी भी अभी ओपी की अभी या नहीं? ठीक है ऐसी कुछ नहीं पड़ेगी, हो गया बिल्कुल सही, सही हो गया। ठीक है जी, मास्किंग बाकी देखो यार शुरू हो गई है। टाइम की अगर बात करें तो 12:30 हो गए, लगभग 2 घंटे हमें हो गए हैं वे, और बस जैसा पहले दिखाया कि डेंट वेंट निकाले और ये एक भरी है। कह रहे थे कि पीओपी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा मेजर था नहीं, माइनर ही था, तो इसी से हो गया है देखो प्लेन तो। और अब बस डायरेक्ट पेंट कर दोगे अब सीधा कि तो कोई और लेयर भी लगेगी? अस्तर डलेगा पेंट हो जाएगा। अच्छा अभी 2-3 पेंट हो जाएगा अस्तर डलने के बाद। ठीक है भाई, फाइनली 2-3 प्रोसेस के बाद गाड़ी हो जाएगी रेडी। अभी शायद 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि 12:30 हुए ना, 2 ही घंटे हुए, 3-4 घंटे बोले थे इन्होंने। मास्किंग करनी पड़ रही है। आप इससे पहले कहाँ काम करते थे जो इतना आपको कह रहे हो कि मेरे को पता है? वहाँ पे फिर कौन सी गाड़ियाँ थी? खाली ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फरारी, इनका फरारी का। अच्छा जी, भैया बहुत ज़्यादा बता रहे थे कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, नॉर्मल तो गाड़ी में ऐसे हो जाता है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। मैं कहा भाई ज़रा पूछ ही ले। तो पहले जॉब वॉब थी वहाँ पे आपकी क्या? छोड़ कर दी, क्या हुआ? लॉकडाउन के मारे वो हो गया, बंद हो गई थी। अच्छा जी, अभी तो भाई 10 मिनट ही हुए थे, और जो भैया ने कहा था ना वो अस्तर का फर्स्ट कोट लगेगा शायद, तो वही लगना शुरू हो गया। इस तरफ तो लगा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखो, 1 मिनट में हो गया ये काम। तो ये इस तरीके से ग्रे है, मतलब बेस कोट है ये एक तरीके से, जो मेरे को समझ आया भाई। अभी बेस कोट हो गया, इसके ऊपर अभी वाइट पेंट होगा, और 1-2 बार करेंगे वाइट पेंट ताकि कलर पूरा मैच हो जाए। ये पेंट भी है क्या, मिक्स होएगा क्या अभी? ये तो बहुत थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा बहुत काम होकर जाएगा। किस में मिलाओगे इसको? इसको हार्ड में मिलाएंगे, इसमें थ्रेड में मिलाएंगे। अच्छा, अभी 2-3 चीजें डलेंगी, हार्ड हो जाएगा ये। बिल्कुल, ये रहा हार्डनर, देखो ये है हार्डनर, वो हार्ड कर देगा ये। ये थिनर है मतलब थिनर, हार्डनर और पेंट, तीन चीजें मिला के बनता है। कलर वही रहेगा, कलर में फर्क नहीं आएगा? कलर में क्यों फर्क आएगा भाई, जब मैच कराया बिल्कुल ढक्कन से। इस पेंट में भी तो वैसे क्वालिटी आती होगी अलग अलग, जो ये डब्बी आई है, ये तो बनाया है ना, कोबरा का है ना, ये तो डब्बियां देते हैं ना, ये तो पेंटर होते हैं बड़े-बड़े डब्बे। तो मतलब कोबरा कोई ब्रांड है इसका पेंट का? ये कंपनी में यही डलता है। के बाद कुछ नहीं होता, इसके बाद खाली बस। लो भाई, तो लास्ट प्रोसेस भैया कह रहे हैं अब बस यही है कि पेंट कर रहे हैं व्हाइट वाला। तो एक ही लेयर करोगे, 2-3 लेयर नहीं होती? देखते जाओगे। तो व्हाइट पेंट हो गया शुरू, लास्ट वाला पहला कोट है। अच्छा, ये पहला कोट हो गया? पहला कोट मारते हैं हल्का हल्का। अब तो ये जो दूसरा कोट हो रहा है, इसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, मतलब बढ़िया हो गया काम, जो था डेंट वेंट बिल्कुल गायब हो गया, और पूरी सीधी लाइन में आ गई। अगर आपको दिखाऊं ये रनिंग बोर्ड जो है ना, पूरा ठीक हो गया। फाइनल थर्ड कोट चल रहा है भाई, अब बस इसके बाद रेडी है गाड़ी पूरी। भाई ये फेंडर वगैरह तो हो गए, अब थोड़ी सी ना टचिंग वगैरह करा लेते हैं, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा था ना भैया, एक मिनट ये मट्टी वट्टी तो हटा दो यार इसकी, थोड़ी इसमें कुछ नहीं होता, हटा दो यार, सफाई से हो जाएगा एक ही बारी में। थोड़ा ये टचिंग करा लें, ये जो स्क्रैच व्रैच आए हैं ना, ये भी यार अब आए हैं तो हो जाएंगे, वरना अलग से कहाँ आता रहेगा बंदा।
चलो भाई वहाँ से तो निकल गए, लगभग 3 घंटे लगे। अब यहाँ पे एक बार मैं गाड़ी लगा लेता हूँ टेढ़ी सी करके। अब मैं टेढ़ी भाई इसलिए लगाता हूँ कि आप लोगों को दिख जाए जो दिक्कत थी वो ठीक भी हुई है या नहीं। एक बार गाड़ी लगाता हूँ उसके बाद आराम से आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है। लो भाई गाड़ी लगा दी है जगह पर। और सबसे पहले अच्छा मेन वो वाली थी ना वहाँ की मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भाई मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे वो पूरा बेंड हो गया था, और इस टाइम पर ये देख लो बिल्कुल प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाई दिया यार कैसे वो ठोक फीट करके अपना निकाला, एक लेयर मारी, उसके बाद एक बेस कोट किया था ग्रे कलर का, उसके बाद 3 कोट ये वाइट पेंट करा है। बाकी ये वाले छोटे मोटे डेंट्स तो भाई खड़े में आए हैं, ये पता ही नहीं कैसे लगे हैं क्योंकि बाहर गाड़ी खड़ी होती है। और पूरा रनिंग बोर्ड अब ठीक हो गया है। बाकी यहाँ का भी करा लिया था क्योंकि इधर भी छोटा सा था ही डेंट, यहाँ पर भी भाई पूरा प्लेन है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी मोटी टचिंग वगैरह जो थी गाड़ी में वो भी यहाँ पर हो गई है। देखो अब पूरी यार सही तो नहीं होंगे क्योंकि पेंट के अंदर गड़े हुए थे स्क्रैच, लेकिन हाँ ये है जब दूर से गाड़ी को बंदा देखेगा तो उसको ज़्यादा पता नहीं लगेंगे, आंखें गड़ा के देखनी पड़ेगी हाँ भाई कि कुछ है। एक यहाँ पे था और ये कुछ कुछ इधर थे, तो थोड़े से कम तो हो गए, लाइट हो गए, गायब तो क्या ही होना है। बाकी यार हालत ख़राब हो गई, अभी एक दिन पहले तक तो अच्छी खासी भाई सर्दी सी पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, आज एकदम से इतनी गर्मी पड़ गई है। हालत आप लोगों को दिख रही होगी शायद, लगभग 2.5-3 घंटे लगे हैं, 10:30 बजे हम पहुंच गए थे, 11 बजे काम शुरू हुआ, 1:30 बजे तक हम फ्री हो गए, और लगभग अभी इस टाइम 1:45 हो रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। 2.5-3 घंटे का प्रोसेस, मेन चीज़ प्राइसिंग भाई, पैसे लगे हैं 750 750 रुपीज़, जितनी भाषाओं में जितने वेरिएशन में समझा सकता था समझा दिया, 750 रुपये लगे हैं, जिसमें दोनों अपने फेंडर रनिंग बोर्ड, फेंडर नहीं भाई फेंडर तो ऊपर का हो गया, दोनों अपने रनिंग बोर्ड रिपेयर हुए हैं, साथ ही साथ छोटी मोटी टचिंग हुई है, बाकी कोई मेजर काम था नहीं। अब इसके लिए क्या यार कंपनी में जाते क्लेम लेते, रिकॉर्ड ख़राब होता कंपनी के रिकॉर्ड में चढ़ता। रही बात रीसेल की, बहुत से भाई अभी सोच रहे होंगे यार तूने तो रीसेल ख़राब कर दी इनकी गाड़ी की। भाई रीसेल पहली बात अब पता नहीं हुई या नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो अभी इन लोगों को जो भाई है इनको यार ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि गाड़ी अभी 7-8 महीने पुरानी, अभी रखनी है इनको करीब 10-12 साल, तो ज़्यादा रीसेल से फ़र्क नहीं पड़ता। और जब भाई इतना टाइम हो जाएगा तब की फिर तब देखी जाएगी किसने देखी है, 2023 चल रहा है, 2034 तक रखनी है भाई, तब देख लेंगे जो होगा। बाकी फिलहाल गाड़ी बिल्कुल सही हो गई है, जो छोटे मोटे स्क्रैच थे वो भी हट गए हैं। तो आप लोग भी भाई बाहर से करा सकते हो अगर आपका ऐसे रनिंग बोर्ड वगैरह ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऑल्ट्रोज जैसी गाड़ी और जितनी भी हैचबैक है ना, अब मेरे को समझ आ रहा है क्यों लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी गाड़ियों में ना भाई यही दिक्कत है, हैचबैक्स में यही दिक्कत है कि गड्ढों में जाते ही नीचे पूरे रनिंग बोर्ड ख़राब हो जाते हैं। तो जो भी था यार मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। बाकी भाई हालत ख़राब होगी, मतलब गर्मी में ना खड़े होकर समझ आ गया कि नहीं भाई अजीब ही है यार मौसम, समझ नहीं आ रहा। कल रात को बारिश पड़ रही थी, आज एकदम से ऐसी धूप पड़ रही है, और 2.5-3 घंटे हो गया, मैं भी बस बैठता हूँ और यार निकलते हैं यहाँ से। चलो इतने रखते हैं यार आज की अपनी इस वीडियो को, यहाँ तक वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच भाइयों।